है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बियर्ड हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट के बारे में। इस वीडियो से रिलेटेड ऑलरेडी मैं दो वीडियो अपलोड कर चुका हूं और उन्हीं वीडियो पर मेरे पास कमेंट और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि भाई आप इस टॉपिक पर डिटेल्स में वीडियो बनाइए। तो फाइनली मैं आज वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। और गाइस, आप लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो मैं आगे भी आप लोगों के लिए लाता रहूँ। आज की इस वीडियो में हमारे तीन टॉपिक होने वाले। सबसे पहला जो टॉपिक होने वाला है वो है लेजर ट्रीटमेंट के बाद क्या परमानेंट के लिए हेयर रिमूव हो जाएंगे या नहीं। सबसे अधिकतर लोगों को मेरे पास यही कमेंट आते हैं कि लेजर ट्रीटमेंट के बाद परमानेंट के लिए हेयर रिमूव होते हैं या नहीं, आगे बताने वाला हूँ। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो कॉस्ट को लेकर, ये भी बहुत सबसे मेन टॉपिक है कॉस्ट को लेकर। अधिकतर लोग कॉस्ट का भी पूछते हैं मेरे से, तो कॉस्ट के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो ये है लेज़र ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए गाइस। तो आज की वीडियो में हमारे ये तीन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा पहला टॉपिक आता है लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद परमानेंट के लिए हेयर रिमूव होंगे या नहीं। तो आप लोगों को बता दूं, जैसे ही हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट कराते हैं तो 80% बाल हमारे रिमूव हो जाते हैं गाइस और 20% बाल बच जाते हैं। इसके अलावा अदर मेथड में ये पॉसिबल नहीं है। एग्जांपल के लिए हम लोग थ्रेडिंग करवाते हैं या शेविंग करवाते हैं तो 100 में से 100 बाल ही हमारे दोबारा से वापस आ जाते हैं। अब हमें ये देखना है जिन लोगों को ज़्यादा बाल है या 6 से 7 दिन में उनको शेविंग कराना पड़ता है, तो लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद उनको 1 या 2 महीने का गैप लग जाता है शेविंग कराने में, फिर उनको 6 से 7 दिन में शेविंग नहीं कराना पड़ेगा। लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद जो बालों की ग्रोथ है वो बिल्कुल कम हो जाती है, बाल पतले आते हैं गाइस, उनकी थिकनेस और लेंथ में भी कमी आती है। जैसे जैसे हम लोग सेटिंग करवाते जाएंगे वैसे वैसे बालों की ग्रोथ कम होती जाएगी, बाल पतले होते जाएंगे, बाल बिल्कुल मुलायम रुई की तरह मुलायम हो जाएंगे, बाल आपके फेस पर बिल्कुल दिखेंगे नहीं गाइस लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद। लेकिन ऐसा नहीं है कि परमानेंट के लिए हमारे बाल रिमूव हो जाएंगे, ये ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैंने भी लेज़र ट्रीटमेंट कराया था, डॉक्टर से सबसे पहले यही पूछा था क्या लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद मेरे परमानेंट के लिए हेयर रिमूव हो जाएंगे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे स्पष्ट बोल दिया था कि लेज़र ट्रीटमेंट के बाद आपके परमानेंट के लिए हेयर रिमूव नहीं होंगे, आपके 100 में से 80% बाल आपके रिमूव हो जाएंगे और 20% बाल आपके बच जाएंगे गाइस। तो ये मेरा रिजल्ट था, किसी रिजल्ट पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। किसी का रिजल्ट 2 महीने में आता है, किसी का 4 महीने में, तो किसी का 6 महीने में रिजल्ट आता है, लेकिन रिजल्ट जरूर आता है। आपको थोड़ा सा पेशेंट रखने की ज़रूरत है, रिजल्ट जरूर आएगा गाइस, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद परमानेंट के लिए हेयर रिमूव हो जाएगा। आपका 100 में से 80% बाल ही रिमूव होगा, लेकिन आपको फर्स्ट सेटिंग कराने के बाद ऐसा नहीं सोचना है आपके बाल दोबारा से वापस आ गए हैं तो भाई अब मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो मैं सेकेंड सेटिंग नहीं करवाऊंगा। इस आप लोगों को बता दो, आपको 5 सेटिंग करवाना ही है, 5 से 6 सेटिंग करवाओगे तो आपको 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कॉस्ट के बारे में। जैसे कि गाइस आपको पता है कि मेरी पहले भी ऑलरेडी कॉस्ट को लेकर वीडियो डली हुई है यूट्यूब पर, आप लोगों ने वीडियो देखा भी है, लेकिन इसमें भी मैं कॉस्ट का आपको बता देता हूँ। लेज़र ट्रीटमेंट का कॉस्ट क्लिनिक के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग क्लिनिक विजिट करने जाएंगे हर क्लिनिक का अलग अलग कॉस्ट रहता है, ऐसा नहीं है कि सभी क्लिनिक का फिक्स रहेगा कि इतना ही कॉस्ट आएगा। इसलिए आपको बता दूँ, आप जहाँ आप अपना लेज़र ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं तो डॉक्टर से अच्छे से डिस्कशन कर लें और पूछ लें इसका कितना कॉस्ट आएगा। हमारे 5 से 6 सेटिंग लगती है, तो 5-6 सेटिंग का हम टोटल अमाउंट एक बार में ही पे कर देते तो हमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा या नहीं गाइस, आप डॉक्टर से अच्छे से डिस्कशन कर सकते हो। फर्स्ट सेटिंग का हमारा कितना लगता है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लेज़र ट्रीटमेंट परमानेंट के लिए नहीं होता है, तो आपके मन में यही रहता है कि मैं पहली फर्स्ट सेटिंग करवा के देखता हूं, मुझे रिजल्ट मिलता है तो मैं नेक्स्ट सेटिंग करवाऊंगा। तो डॉक्टर से ये भी पूछ लें कि फर्स्ट सेटिंग एक सेटिंग का हमारा कितना कॉस्ट लगेगा गाइस। कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे, इसका मिनिमम 1000 से मैक्सिमम 2000 तक लगता है। जितना बड़ा क्लिनिक होता है उतना ज़्यादा हम लोगों से चार्ज करते हैं गाइस लेज़र ट्रीटमेंट में। आप लोगों को बता दूं 1 से 2000 रुपये ही पर सेटिंग लगता है इसका। तो ये रही हमारे कॉस्ट की बात, आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट कितना लगता है। लेज़र ट्रीटमेंट में कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता है, आप लोगों को एक बार और बता दूं 1000 से 2000 तक ही फर्स्ट सेटिंग का कॉस्ट लगता है, चाहे कितना ही बड़ा क्लिनिक हो। तो आप जब भी क्लिनिक बजट विजिट करो तो आप अच्छे से डिस्कशन कर लो डॉक्टर से कि हमें कितनी सेटिंग लेना है और हमारा कॉस्ट कितना लगना है गाइस। तो ये था हमारा दूसरा टॉपिक। अब हम बात करेंगे लेज़र ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, लेज़र ट्रीटमेंट कराने के बाद आपको धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलना। आप लोग धूप में निकल भी रहे हैं तो सनस्क्रीन का यूज़ करिए, ऐसे में आपकी स्किन डैमेज होने के कम चांसेस रहेंगे। आपको भी पता है कि लेज़र ट्रीटमेंट के दौरान हमारी स्किन को हीट किया जाता है रिमूव करने के लिए, तो आप धूप में निकले तो बहुत सावधानी से निकले। इसके बाद मैं आपको डाइट में बता दूं, फास्ट फूड अवॉइड करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। तो ये नॉर्मल सी सावधानी है आपको रखनी है 10 से 15 दिन गाइस। आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ
कि आपके मेरे पास कमेंट और व्हाट्सएप पे सबसे ज़्यादा मैसेज यही आ रहे थे कि आपने किस मशीन से अपना लेज़र ट्रीटमेंट कराया था। आपका ये पूछना सही है क्योंकि अलग अलग क्लिनिक में अलग अलग मशीन रही थी, तो मैंने अपना जो लेज़र ट्रीटमेंट कराया था वो लॉयड मशीन से कराया था, लॉयड मशीन से ही अपना लेज़र ट्रीटमेंट कराया था गाइस। तो आप लोग जहाँ जब भी कहीं अपना लेज़र ट्रीटमेंट कराने जाओ किसी क्लिनिक पर, तो मशीन का ज़रूर पूछ लें। ऐसा नहीं है कि मशीन एक जैसी ही रहती है, हर क्लिनिक पे अलग अलग मशीन रहती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स एंड व्हाट्सअप स्क्रीन नंबर मेरे शो हो रहे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हो मैसेज करके भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।